जिला अंबाला में पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। साथ ही काले कारोबार से बनाई गई संपत्तियों पर पुलिस ने अपनी पैनी नजर रखी हुई है। बता दें कि पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया गया था, जिसमें सब काले कारोबार करने वालों की कमर तोड़ने के लिए इनकी बनाई गई संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं एसपी जशनदीप रंधावा ने पुलिस को ये आदेश जारी किया था कि किसी भी तरह के अवैध तरीके से बनाए गए या फिर नशा तस्करों द्वारा बनाए गए प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चलाकर उन्हें नस्तोनाबूद किया जाए। इसी कड़ी में आज अंबाला पुलिस ने लगभग 60 ठिकानों पर कार्यवाही कर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। देखिए, आज एक पूरे अंबाला जिले के अंदर जितने भी कोई बड़े गैंगस्टर्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो ड्रग पेडलर्स हैं और जो नशे का कारोबार, नशे की तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ़ पूरे ज़िले के अंदर हमने एक ड्राइव चलाई थी और उसके अंतर्गत हमने उनकी जो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ थी, जो इन्होंने एनक्रोचमेंट्स कर रखी हैं, जो उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ना करते हुए जो निर्माण किए हैं, तो उसके अंदर हमने जो लोकल कमिटीज़ के साथ मिलकर एक आज अभियान चलाया था और उस अभियान के अंतर्गत जो सिटी एरिया है वहाँ पे डेहा कॉलोनी के अंदर इसमें कार्रवाई की गई है। जो कैंट एरिया है वहाँ पे एक जो हमारा काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सुमित था उसके प्रेमिसेस में कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार से बराड़ा के एरिया के अंदर और नारायणगढ़ के एरिया के अंदर भी जो बूटलेगर्स हैं या फिर जो नशे के तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनके जो अवैध निर्माण और इंक्रोचमेंट्स थी उनको आज उनके कमेटी की मदद लेते हुए उनको तोड़वाया गया है। टोटल हमने अभी तक 7 ऐसे निर्माण हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर, जिनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और अभी हमने कुछ और जगहें चिन्हित कर रखी हैं जहाँ पे लोगों ने पब्लिक जो जगह है, पब्लिक लैंड है, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखी है या अवैध निर्माण कर रखा है, तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनके खिलाफ भी हम आने वाले टाइम में कार्रवाई करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।